नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। लॉबिंग और पॉलिटिकल प्रभाव से ही मिलते हैं पद्म पुरस्कार, इसके बिना नहीं मिल पाते। ये कहकर बाबा रामदेव ने पद्म पुरस्कारों की निष्पक्षता और गरिमा दोनों को सवालों के घेरे में ला दिया है। साथ ही बाबा ने मोदी सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल है कि आखिर क्यों अचानक बाबा रामदेव के ये बोल सामने आ रहे हैं? क्या बाबा रामदेव को पद्म पुरस्कार से ही जुड़े एक पुराने विवाद का घाव अब भी सता रहा है? जब आपको याद होगा, खबर आई थी कि बाबा रामदेव को पद्म विभूषण मिलेगा, गदगद बाबा ने इसको लेने से इनकार कर दिया था, अपने को सन्यासी होने का हवाला दिया था। लेकिन बाद में गृह मंत्रालय से खबर आई कि उनका नाम ही नहीं था इस लिस्ट में। किरकिरी हो गई थी बाबा की। तो क्या वो टीस है जो बाबा को सता रहा है, या सरकार, मोदी सरकार और बाबा के बीच रिश्ते बिगड़े हैं? कुछ अंतरखाने ऐसा हुआ है कि बाबा ने सीधे पद्म पुरस्कारों के बहाने मोदी सरकार, आपको बताएं कि पीएम ही वो कमेटी बनाते हैं जो आखिरी तौर पर फैसला करता है कि किसको पुरस्कार मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय इसके जद में आ जाता है, उस पर उंगली उठा दी है उन्होंने। या फिर सही में पद्म पुरस्कारों की प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ झाला है, कुछ सड़न पैदा हो गई है? आखिर इस बयान के क्या मायने? करेंगे पड़ताल। मेरे साथ जुड़े कुछ खास मेहमान, बीजेपी नेता अनिला सिंह नोएडा स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब जुड़े हुए हैं मेरे साथ, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के नेता हिलाल नकवी साहब लखनऊ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विजेता अवधेश कौशल साहब मेरे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं। उनको कैसा लग रहा है, और ऐसे उन तमाम लोगों को जिन्हें पुरस्कार मिलते रहे हैं, अगर पुरस्कार देने की प्रक्रिया को ही सवालों में खड़ा कर दिया गया है? करेंगे सबसे बात, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। देश में सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाले पद्म पुरस्कारों पर योग गुरु बाबा रामदेव ने विवादित बयान दिया है। बाबा रामदेव ने कहा है कि पद्म पुरस्कारों के लिए लॉबिंग की जाती है, खासकर रसूखदार लोग राजनीतिक लोगों से लॉबिंग कर आसानी से पुरस्कार हासिल कर लेते हैं। दुनिया जानती है कि पद्मश्री से लेकर के पद्म भूषण, विभूषण और तमाम तरह के पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार तक अच्छे लोगों को भी मिलते हैं, लेकिन इन्हीं पुरस्कारों को पाने के लिए लोग बहुत जबरदस्त तरीके से लॉबिंग भी करते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा पॉलिटिकली जिन लोगों का प्रभाव होता है वो इन अवार्ड्स को पाने में कामयाब हो जाते हैं। बाबा रामदेव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं, साथ ही वो बीजेपी शासित राज्य हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ऐसे में विपक्ष बाबा रामदेव के बहाने सीधे मोदी पर निशाना साध रहा है। सरकार के बहुत ही करीब हैं बाबा रामदेव जी, मोदी सरकार के, और उनका कार्यकलाप उन्होंने नजदीक से देखा हो। अभी हो सकता है आडवाणी जी को शायद इस तरह का बड़ा सम्मान मिला है, इसलिए हो सकता है बाबा रामदेव नाराज हों। तो इस सरकार का कार्यकलाप बहुत नजदीक है, ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं भाजपा सरकार की तरफ। जिनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया हरियाणा गवर्नमेंट ने, अब वो कहते हैं कि पद्मा अवार्ड जो है वो रसूख वालों को मिलते हैं और इसके लिए लॉबिंग करनी पड़ती है। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं अपने से भी पूछना चाहिए, क्या उन्होंने किसी से कुछ नहीं मांगा? इस केंद्र सरकार से क्या कभी कुछ नहीं मांगा? बीजेपी ने इस बयान को बाबा रामदेव की निजी राय बताया है। कोई भी व्यक्ति अपना विचार रख सकते हैं, लेकिन जहां तक ऐसे सम्मानित पुरस्कार हैं, इनका मैं मानता हूं कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ये सम्मान के पुरस्कार हैं, और चाहे विदेश में हो या भारत में हो, इन पर किसी भी रूप से किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। रामदेव को लेकर इससे पहले भी पद्म पुरस्कारों पर विवाद खड़ा हो चुका है। दरअसल इसी साल 25 जनवरी को पद्म अवार्ड की घोषणा के दो दिन पहले ही मीडिया में ये खबरें आई कि बाबा रामदेव को भी पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा जाएगा। इसके बाद रामदेव ने खुद गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी, मैंने कभी पद्म पुरस्कारों की मांग नहीं की और न ही मुझे पद्म पुरस्कारों की इच्छा है, मैं एक सन्यासी हूं और मुझे इस तरह के सम्मान की जरूरत नहीं है। मुझे इस बात का पता लगा तो मैंने बहुत ही कृतज्ञता के साथ कि सरकार मुझे पद्म विभूषण के पुरस्कार के साथ गौरव देना चाहती है, मैंने उनको पत्र लिखा कि मैंने जो भी योग के साथ राष्ट्र धर्म और सेवा धर्म को अपना कर्तव्य मान करके अनासक्त भाव से, निर्लिप्त भाव से, निष्काम भाव से अपना दायित्व निभाया है, और सन्यासी को पुरस्कार और तिरस्कार दोनों में सम रहना चाहिए,
तब गृह मंत्रालय से खबर आई थी कि रामदेव का नाम पहले से ही पद्म पुरस्कार पाने वालों की सूची में नहीं था। तब बाबा रामदेव के लिए हालात बड़े असहज हो गए थे, लेकिन अब सवाल उठता है कि दिल्ली पहुंचकर अचानक उन्हें पद्म पुरस्कार की याद क्यों आई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्ट्रेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। बाबा के बोल बिगड़े लग रहे हैं, सरकार को लेकर के, बीजेपी को लेकर के, क्या हुआ है? कई बातें हैं इसमें, लेकिन सवाल जो पैदा हो रहे हैं बाबा के बोल से कि क्या पद्म के बहाने बाबा रामदेव ने सीधे सीधे अब केंद्र पर निशाना साध दिया है? क्या कहीं ये पद्म पुरस्कार के लिए ना चुने जाने की खीज तो नहीं है? हालांकि बाबा ने खुद बात कही थी कि वो लेने से उन्होंने इनकार कर दिया है। राजनीतिक लॉबिंग से पद्म पुरस्कार मिलने का बयान कहां तक सही है और क्या ऐसा हो रहा है? क्या मेरे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं, और मैं ये भी बता दूं कि अवधेश कौशल साहब जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, जिन्हें भारत सरकार ने मनरेगा की मॉनिटरिंग के लिए भी नियुक्त किया है, उनको कैसा लग रहा है? सबसे पहले मैं उन्हीं से पूछूंगा, जब ये बात कही जा रही है कि पद्म पुरस्कार तो लॉबिंग से के जरिए, पॉलिटिकल लॉबिंग या सिफारिशों से मिलते हैं, तो मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा अवधेश जी कि ये सुनकर आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि जितने भी लोगों को पुरस्कार मिले फिर वो सभी सवालों के घेरे में आ जाते हैं। अवधेश कौशल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी श्रीमान, नमस्कार और स्वागत है आपका। आप बाबा तो जी बताएं जी, ये जो प्रचार करा जा रहा है कि वो उन्होंने मने कर दिया है कि मैं पद्म विभूषण नहीं दूंगा क्योंकि मैं सन्यासी हूं, ये बिल्कुल गलत है। खुद कही थी उन्होंने, इन्होंने जोर लगाया पद्म विभूषण के लिए, लेकिन क्योंकि इन पर यहाँ क्रिमिनल केस चल रहे हैं और क्रिमिनल केस जो हैं आईबी ने लिख के भेजा कि क्रिमिनल केस है इन पे, इसलिए इनका नाम क्लियर नहीं हुआ था। एक तो ये मैं स्पष्ट करना चाहूँ जी। दूसरा, ये जो कहते हैं कि साहब इसमें तो लॉबिंग करते लोग राजनीतिक लोगों के से सुपारिश कराते हैं, ये बिल्कुल गलत है। मुझको 1986 में पहले तार आता था, टेलीग्राफ, मुझे टेलीग्राफ से सूचना मिली प्रधानमंत्री की तरफ से। मैं सोचा मेरा कोई बेवकूफ बना रहा है, मुझे पता भी नहीं था। ऐसे ही फिर अगले दिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ से खबर आई, ये गलत है, बिल्कुल गलत है कि सारे पद्म पुरस्कार जो हैं वो सुफाइश पे मिलते हैं। मेरे एक मित्र थे जी, बहुत पुराने जी, कृपलानी, कृष्णा कृपलानी, उनको पद्मश्री जब मिला, उन्हें खबर हुई, तो उन्होंने सरकार को लिखा कि देखिए मुझे पद्मश्री नहीं चाहिए, मेरे पास घड़ी नहीं है, लेखक थे वो, मुझे घड़ी दो। तो उन्हें घड़ी भी दी गई और पद्मश्री भी दी। मैं कृष्णा तो मतलब आप, नाम उनका। जी जी, तो ये जो आप कह रहे हैं लेखक मतलब, थे जी जी अवधेश जी, ये जो आप बता रहे हैं इससे पता चल रहा है कि जानकारी तक नहीं होती है। प्रक्रिया ये है कि अब जब पुरस्कार देना होता है तो एक बार पूछा जाता है। एनके सिंह साहब, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ है, मैं राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊं इससे पहले, सिंह साहब ये जो प्रक्रिया क्या होती है, मैं ये भी प्रक्रिया में क्या कोई झोल पैदा हो रहा है या कोई लॉबिंग या निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं और ऐसी बातें क्या हैं, ये भी मैं समझूंगा, लेकिन बाबा के ऐसे बोल के क्या मायने? और बीजेपी की तरफ से एक अहम बयान आया है, मैं ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले आपसे समझना चाहूंगा इस गुत्थी को। नहीं, दो तीन चीजें इसमें हैं। एक तो ये सिविल अवार्ड्स जो होते हैं, देखिए जो इनकी गरिमा, एक और इनकी गरिमा को, ये बात सही है कि पॉलिटिकल कंसीडरेशंस होते हैं, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से वेडेड लोगों को मिलते हैं और जब वो गवर्नमेंट आती है तो देती है, ये होता है। लेकिन
हो सकता है 124 करोड़ के देश में एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग भी समाज के लिए काम कर सकते हैं, तो उनका भी सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, अपने आइडियोलॉजी के साथ लोगों को लाती हैं, ये कोई वैसा नहीं है, कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा होता है, लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है। उसके परसेप्शन से इन्होंने समाज का ज्यादा काम किया है, कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी उसके परसेप्शन से किसी और ने किया है, समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट आएगी किसी और, तो मुझे नहीं लगता कि इसको लेके जो बाकी लोग हैं वो ये कमेंट करें कि साहब कैसे मिलता है, लॉबिंग होती है। कम से कम सिविल अवार्ड्स को छोड़ दिया जाए, अच्छे लोग हैं जो काम करते हैं, ऐसा नहीं हुआ है किसी बड़े गंदे आदमी को, किसी डकैत को, किसी चोर को मिला है, कहीं ना कहीं समाज में उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो एक तो बाबा रामदेव जो कह रहे हैं कि तिरस्कार संभाव से लेना चाहिए, तिरस्कार को और पुरस्कार को, अगर आप इतने संभावी हैं, संभाव से देखते हैं सब चीजों को, तो आज ये कमेंट क्यों कर रहे हैं? आपके हमेशा पॉलिटिकल कमेंट्स रहते थे, इसके पहले भी आप कांग्रेस के खिलाफ लगातार बोलते रहे, सोनिया के खिलाफ बोलते रहे, तो कम से कम बाबा से यह भी शोभा नहीं देता है कि आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दें, और आज आपने ये तो अपराध किया है। ऐसे बाबाओं को मुझे लगता है कि इनको इनको वहां रख देना चाहिए जहां से इनकी आवाज पब्लिक में जा ना पाए। ये व्यक्ति कितना मतलब वो है, छोटा है कि सिविल अवार्ड जो मिले हैं, ये जो सज्जन बैठे हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ किया है, समाज के लिए कंट्रीब्यूट किया है। अवधेश जी ने, कोई साधारण लोग नहीं होते हैं जो समाज के लिए, समाज में ऐसे लोग होते हैं जो लगातार करप्शन करके अपनी बिल्डिंगें बनवाते हैं, ऐसे में अगर कोई आदमी समाज के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है तो किसी भी आइडियोलॉजी कहो उसे मिलना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये बाबा तो कैसा बाबा है, कोई टीस है क्या? टीस बहुत गहरी है, टीस बहुत गहरी, और ये आज की नहीं है। मुझे लगता है कि करीब साल भर से ये बदमजगी चल रही है, जब मोदी जी सरकार में आए उसके बाद से ही कहीं ये बदमजगी है, वरना मोदी जी को कोई बहुत मुश्किल नहीं था ये अवार्ड दे देना बाबा के लिए, ये अवार्ड। और मेरे ख्याल से जो इस तरह के केसेस हैं, इससे बहुत मुतासिर नहीं होती है गवर्नमेंट, केसेस चलते रहते हैं, बाबा को दिया जा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट है, और बाबा के बीच में दरार ज्यादा बड़ी है, जो अभी दिखाई नहीं दिया, ये पहला स्टेटमेंट है। और आप देखिए, इस स्टेटमेंट का जो बीजेपी का भी स्टेटमेंट आया है, वो भी काफी गार्डेड स्टेटमेंट है, मतलब बाबा को कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बाबा के साथ नहीं हो रहे, उनका भी स्टेटमेंट गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने का है। हाँ, मतलब जो अभी नकवी साहब का बयान आया, जो मुमकिन है हम आपको दिखाएंगे, जो अभी हमें खबर मिली है कि नकवी साहब ने कहा है कि अगर जुगाड़ से ये पुरस्कार मिलते तो सबसे पहले बाबा ले चुके होते। ये आप समझिए कितना पावरफुल स्टेटमेंट है। अगर नकवी ये बात कह रहे हैं कि जुगाड़ से मिलता तो बाबा को मिल जाता, इसका मतलब कांग्रेस ने, बीजेपी ने फ्रंटल अटैक कर दिया है बाबा पे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दोनों के बीच में बदमजगी पहले से चली और गहरी हो गई। अनिला जी, बीजेपी की नेता मेरे साथ यहाँ जुड़ी हुई है, क्या हो गया है? बाबा से झगड़ा हो गया क्या? बाबा नाराज हो गए हैं क्या, इसलिए अब आप सीधे पीएम पर ही उंगली उठा दी है उन्होंने? बाकी तो छोड़िए, देखिए, बाबा रामदेव जी ने जो बयान दिया है पद्म अवार्ड्स को लेके, ये उनकी एक व्यक्तिगत उनकी अपनी सोच है, व्यक्तिगत उनकी अपनी राय है। मुझे मालूम नहीं उनको इस प्रकार से क्यों लग रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा अवार्ड है, चाहे वो कोई भी सरकार रहे केंद्र में, बहुत रिसर्च करवा के, सोच समझकर ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। पर ये तो रामदेव जी से बात कर कर ही पता चलेगा कि क्यों उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है। पर मुझे लगता नहीं है कि इस तरीके की टिप्पणी किसी भी प्रकार, तो जुगाड़ लगा रहे थे, आप लोगों ने अवार्ड नहीं दिया क्या? नकवी साहब के बयान से तो यही लग रहा है। देखिए, जुगाड़ से तो ये अवार्ड्स मिलते ही नहीं है, आपको तो अच्छी तरीके से पता है कि जब ये नाम जब फाइनलाइज होते हैं तो किस प्रकार से स्टेट चीफ सेक्रेटरीज वगैरह और आईबी टीम पूरा रिसर्च वर्क करती है, और फिर जाके नाम फाइनलाइज होते हैं कि किनको ये अवार्ड्स दिया जाए। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि लॉबिंग होती है, तो मेरे ख्याल से भारत सरकार जो है, कोई भी सरकार का अपमान है, जो देश की सेवा है, आज पिछले 65 साल से जिनको मिला हुआ है, ये उनका अपमान है। कम से कम बाबा को ये अधिकार नहीं है कि इस तरह का अपमान करें। तो बाबा नाराज क्यों, आपसे मैं पूछूंगा, आप लोग काला धन नहीं ला रहे हैं। बाबा ने रामलीला मैदान में बड़ी रैली करके वहां मोदी जी को बुलाया था, पूरे देश ने देखा था, बड़े तामझाम से उन्होंने अपनी शर्त रखी थी, समर्थन की, और बाकायदा मोदी साहब आए थे, उनकी शर्तों को माना था, और तब एनके सिंह साहब, तो क्या वो भी बातें इसमें है? मैं आऊंगा आपके पास। मेरे पास जो कांग्रेस के मेहमान है हिलाल नकवी साहब, उनका क्या, कांग्रेस का क्या इस पे कहना है? हिलाल नकवी साहब, क्या ये सियासी इसके मायने हैं कांग्रेस की नजर में, दोनों के बीच के, बीजेपी और बाबा के बीच का ये मसला है, या दरअसल पद्म पुरस्कारों में खामियां हैं?
देखिए अजय साहब, जो बाबा ने कहा है वो उनका व्यक्तिगत अनुभव रहा होगा इस सरकार के साथ। बाबा को ऐसा लगा होगा कि इस सरकार में जुगाड़ से जो है वो किसी को पुरस्कार मिला है और जिसकी वजह से उन्होंने इस प्रकार की बात कही है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जो बाबा ने इस प्रकार का लगाया आरोप, जैसा आप कह रहे हैं कि वो काला धन में मोदी जी के साथ खड़े हुए, तो कहा था 500 हज़ार के नोट बंद करवा देंगे, मोदी जी इस प्रकार का कोई कार्य नहीं कर रहे, हो सकता उससे आहत हो, इस वजह से उन्होंने दिया हो। लेकिन इस सरकार के ऊपर बड़े छोटे अल्पकाल में ये दूसरा गंभीर आरोप लगाया। एक सुब्रमण्यम स्वामी जी ने आरोप लगाया था कि वो एक करप्ट डील है रफेल के सौदे को लेकर के, और दूसरा ये बाबा ने लगाया, और दोनों इनके आंतरिक लोग हैं, किसी बाहर के व्यक्ति ने नहीं इस प्रकार का आरोप लगाया। और जिस प्रकार से जितनी भी इस प्रकार की संस्थाएं हैं उनको सबको समाप्त करते चले जा रहे हैं, कांग्रेस के लिए भी बड़ी बड़ी बातें जिस प्रकार से उनको समाप्त करते चली जा रही है ये सरकार, निश्चित रूप से दिखा रही है। हिलाल साहब देखिए, वो बीजेपी की तरफ जी, वो बीजेपी के उससे वो बोलते रहे, उन्होंने बीजेपी के वो बीजेपी के वर्कर के तौर पे बोलते रहे और आज भी बीजेपी के ही समर्थक हैं, बीजेपी के साथ हैं वो। और उसके बाद उन्होंने बयान दिया है जैसे सुब्रमण्यम स्वामी जी ने दिया है, हमको ना बाबा अच्छे लग रहे हैं ना बुरे लग रहे हैं, जो उन्होंने बयान दिया है उस बयान के आपने मुझसे माने पूछे, मैंने वो आपको माने आपको बता लगता है कि इसमें खामी इस प्रकार का इसमें जो है इस सरकार मिले हिलाल साहब आपको लगता है हुआ होगा जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा है। तो फिर तो यूपीए सरकार को भी कटघरे में लाके खड़ा कर देना चाहिए, जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि ये जो अवार्ड्स होते हैं ये लॉबिंग द्वारा मिलते हैं, तो वो केंद्र सरकार में कोई भी सरकार हो सबके ऊपर उंगली उठी हुई है। नोबेल तक के लिए कहा है उन्होंने, हर सरकार के लिए कहा है, किसी एक सरकार के लिए नहीं कहा है उन्होंने। और आपने भी काफी दिया, अच्छे लोगों को दिया है, कांग्रेस गवर्नमेंट में बहुत अच्छे लोगों को मिला है, तो ये तो कमेंट उनके लिए भी है। बाबा का जो नाम है, जो बाबा राजनीति में आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाए हैं, वो राजनीति में नहीं आए हैं, जो भी जानकारी वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के कार्यकर्ता या सदस्य भी नहीं है, तो निश्चित रूप से वो उसके बारे में बोलेंगे। हिलाल साहब वो बीजेपी के सदस्य नहीं है, वो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, तो आप ये मत कहिए कि वो बीजेपी में आए हैं। बीजेपी नहीं, अब आपको नहीं अच्छे लग रहे होंगे, नहीं अच्छे या बुरे की कोई बात नहीं है, वो योग गुरु है, वो महान योग गुरु है, इसमें अच्छे कोई दो राय नहीं है। इनके तो चरण दोस्ती है, ये बनना तो इनके चरण छूने के लिए, बनना तो इनके चरण हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, जो है वो इनके चरण, ये मत कहिए कि वो बीजेपी पार्टी के अंदर है। तो निश्चित रूप से जिसको इतना सम्मान मिला हो आपकी सरकार के अंदर, आपके प्रधानमंत्री जिनका चरण स्पर्श कर रहे हो, अगर वो ये बात कर रहे हैं, सम्मान लायक जो व्यक्ति है भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल सम्मान देती है, उनके पर टिप्पणी की है, और ये उसके पहले के बारे में तो कुछ जानकारी नहीं है, ना उन्होंने कभी कहा, उनका सम्मान नहीं, उन्होंने कभी कुछ कहा इससे पहले की किसी सरकार के समय पर। तो इस वजह से आप देखिए इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं, आपके ऊपर 11 अभी पूरे 12 महीने नहीं हुए सरकार के, और ये दूसरा बड़ा आरोप लगाया गया है और आपके भीतर से लगाया गया है। अगर कोई इस प्रकार के बयान दे देता है तो वो उसके अपने व्यक्तिगत राजनीति को कहने से क्यों लगा जा रहा है। अनिल जी ये एक अहम 12 महीने नहीं हुए हैं और उसके अंदर आपके ऊपर करप्शन का भी आरोप लग गया, और तो बाबा के आरोपों को आप सही मान करके आप अपने ऊपर लगाए गए तमाम उन बाबा के आरोपों को सही बता रहे हैं और वो उसका पुलिंदा है नकवी साहब, ये आप ध्यान रखिएगा। मैं एक और बयान आपको सुना रहा हूँ, जो बाबा के बयान की प्रतिक्रिया में पहली प्रतिक्रिया आई है वो काफी अहम है, संबंध नहीं रखते हैं। ठीक है, मैं लौटता हूँ, बाबा भारतीय जनता पार्टी से संबंध, मैं लौटता हूँ, बाबा के चरण जो है नरेंद्र मोदी जी ने छुए हैं। इलाज नकवी साहब लौटता हूं मैं आपके पास में, पहली प्रतिक्रिया जो मिली है जिसका मैं जिक्र कर रहा था बीजेपी की तरफ से आई है बाबा के इस बयान के बाद, नकवी ने क्या कहा है आइए देखिए, ये सुन लीजिए। बाबा रामदेव जी ने क्या कहा और कब कहा क्यों कहा मैंने सुना नहीं भैया। अब अगर जुआड़ से मिलते हैं तो वो सबसे ज्यादा पहले जुआड़ कर लेते हो, अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है इस तरह की बचकानी बात ऐसे सीनियर आदमी को, ऐसे योग गुरु को नहीं कहना चाहिए। अनिला जी, बाबा जुगाड़ लगा रहे थे क्या? नहीं देखिए, मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि कोई भी सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है, नहीं, नहीं, एक बात नकवी साहब कह रहे हैं कि अगर जुगाड़ से मिला होता तो बाबा सबसे पहले ले चुके होते, इसे मतलब जुगाड़ लगा रहे थे, जुगाड़ बैठा नहीं। नहीं वही तो कह रहे हैं वो कि भाई अगर जुगाड़ से ये सब अवार्ड्स दिए जा रहे होते तो शायद ये भी जुगाड़ से ले लेते। तो उनका कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो अवार्ड्स होते हैं मीडिया आए के सामने नीचे भी होते हैं, तो इस प्रकार से ऐसे जुगाड़ करके नहीं दिए जाते हैं, बाकायदा पूरा रिसर्च वर्क होता है फिर दिया जाता है, वो भी भरी जनता के सामने। क्या चीज? ऐसे जुगाड़ू बाबा के साथ
जिनके ऊपर इतना आपको भरोसा है उनको जो है डाइस पे बुला करके उनको आलिंगन क्यों करते हैं, उनके चरण स्पर्श क्यों करते हैं? हिलाल साहब, देखिए हिलाल साहब, मैं बहुत 12 महीने पहले हिलाल साहब मैं जवाब देती हूं आपकी बात का, बिल्कुल जवाब बना रखा था, स्पष्ट कर देती हूं। आज जो है उनके ऊपर आप कह रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, जवाब सुन लीजिए कि जो आपके ऊपर सुनने का धैर्य, वो आपके अंदर के लोग लगा रहे हैं, वो लोग आरोप लगा रहे हैं जिनका चरण स्पर्श नरेंद्र भाई मोदी ने पब्लिकली किया है। आपको उत्तर देती हूँ, अगर आप उत्तर सुनने के लिए तैयार हैं तो। अगर को इसमें क्या कोई दो राय है कि बाबा रामदेव जो हैं एक महान योग गुरु हैं, उन्होंने एक प्रकार का पूरा रिवॉल्यूशन लेकर आए हैं भारतवर्ष में, विश्व में योग को लेके, इसके बिल्कुल बहुत सम्मानित हैं। जहां तक योग की बात आ जाती है, ये भी अगर ये इन्होंने कहा है, अब आप मुझे जवाब दे ले, भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिलते हैं, यूपीए गवर्नमेंट का तो रहने दीजिए, अभी आप साल भर का हमारे रिपोर्ट कार्ड बता रहे थे, आपके तो पहले महीने से जो रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है, जो आप क्लास में जो हम सरकार में नहीं होते हैं ना, जो पीछे बैठे हुए होते हैं, आप सारी चले चले नहीं है, वो आपकी पार्टी का रहा है। आप लोगों को रोकता हूं मैं, आप अध्यक्ष के पास में एक बार फिर से जाता हूं, अपोजिशन पार्टी की तरह बिहेव ना करिए। चलिए मैं अध्यक्ष के पास बैठता हूं, बिल्कुल इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर आप भी कांग्रेस से नाता रखते हैं, आप भी अगर कोई सम्मानित कार्य करेंगे तो हम आपका भी स्वागत करेंगे। देश कौशल साहब, ये बातें जो उन सैकड़ों लोगों को, सैकड़ों महान आत्माओं को, महान लोगों को जिन्होंने देश के लिए वाकई कुछ किया है और जिन्हें पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, ये उन सबका अपमान है। ना सिर्फ सियासत की बात छोड़ दें, हम पीएम की बात छोड़ दें, हम इस सरकार की बात छोड़ दें, उस सरकार की बात छोड़ दें, ये अपमान उन सब का है। आप खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं अगर बाबा रामदेव ऐसा कह रहे हैं? देखिए, बाबा रामदेव जो है वो सत्ता के बिना नहीं रह सकते। यहां जब चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी के जो भी चीफ मिनिस्टर होता है, ऐसे ही उन्होंने आसपास की इतनी जमीने हड़प ली है गरीब लोगों की, कभी सच नहीं बोलते। वहां भी जब रामलीला में भी इकट्ठे करे लोग, अब खुद देहरादून तो से हैं, क्या करा, बगल में है बाबा के संस्थान के, पहन के भाग लिए जी, और अब वो चाहते हैं, अब झूठ बोलते हैं, कभी सच नहीं बोला इन्होंने बाबा, कभी भी आप ये देखे, कभी कहते कि पुत्र मिल जाएगा मेरे तो, दबाव से तो बाबा के कभी कहते गोल्ड मेडल लेना तो मे से लो। अच्छा, तो बाबा की बात से आपको ठेस लगी है? पुरस्कार जो है, आप भी पद्म विजेता हैं, आपको ठेस लग रही है बाबा की बात से जब वो कह रहे हैं कि ये पुरस्कार तो लॉबिंग और सिफारिश से मिलते हैं? सुरक्षा काय की सुरक्षा, इन्हें क्या खतरा है? नहीं नहीं नहीं, आप ये पता है। अच्छा एनके सिंह साहब, एक चीज बताइए मुझे आप, तो क्या आने वाले दिनों में हम फिर से एक एपिसोड देखने जा रहे हैं जहां पर बाबा जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ वो कभी रैली करते थे और क्या क्या करते थे, सबको बहुत पुरानी बात नहीं है, पिछले साल तक ये सब कुछ चल रहा था, कहीं ऐसा एक ये बातें तो नहीं हम देखने जा रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए इस बाबा में नैतिक साहस नहीं है कि इस गवर्नमेंट के खिलाफ या किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत दूर तक जाए। उसकी वजह यह है कि तमाम केसेस हैं जो वो कह रहे हैं, अवधेश जी सही कह रहे हैं कि देहरादून में केसेस हैं और वो केसेस फिर से खुल सकते हैं। उसके अलावा तमाम जो ये बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस बहुत साफ सुथरा नहीं है। जैसे आपने कल ही देखा कि बेटा पैदा करने वाला दवा दे रहे हैं, उसके बाद उन्होंने उसको कहा, आगे एक राइडर उसमें लिखा, तो आप ये समझ सकते हैं कि बाबा प्योरली कॉमर्शियल एक्सरसाइज कर रहे हैं और बाबा में वो नैतिक साहस नहीं है। पता नहीं राजसत्ता क्यों इसको इतना नोटिस लेता है इस तरह के अटरेंसेस को, वरना बाबा जो कुछ भी कह रहे हैं, जैसे ये कहना कि पद्म ये कोई पॉलिटिशियन कहे तो कोई दिक्कत नहीं है, हिलाल जी कहें, अनिला जी कहें, बिल्कुल समझ में आता है कि पॉलिटिकली ये सब हो सकता है, लेकिन कम से कम एक बाबा से ये नहीं उम्मीद की जाती है कि वो ये स्टेटमेंट दे कि साहब कैसे पद्म अवार्ड मिलते हैं। इतना माने कि बाबा और सरकार के बीच ठन गई है,
बहुत साफ दिखाई दे रहा है और ये ठनी गहरी है, गहरी ऊपर ऊपर नहीं है, पैचअप होने वाला नहीं है। अगर आप नकवी के बयान को लें, हाँ। जो मुख्तार अब्बास नकवी ने दिया है, हाँ। उस वो बयान सीरियस है, वरना इसको ये गोल गोल घुमा जाते। तो हम फिलहाल ये मान रहे हैं कि जो पद्म पुरस्कारों को देने की प्रक्रिया है उसमें कोई खामी ऐसी नहीं है जिस पर हम सीधे सीधे सवाल उठाएं। नहीं नहीं, वो उसको देखिए, वो जो खामी है वो तो बहुत बड़ी है। खामी यह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी आती है तो उसके आइडियोलॉजी से वेडेड जो लोग होते हैं, समाज के लिए वो काम करते हैं लेकिन उस आइडियोलॉजी से वेडेड होते हैं, उनको देती है। वो यूपीए भी करती है, ये भी करती है, वो सभी ने किया है। लेकिन यहाँ मसला दूसरा नजर आ रहा है, यहाँ पे दूसरा है। मतलब ये कहना कि रामदेव का ये कहना कि पद्मा अवार्ड, अच्छा आउट ऑफ टर्न उन्होंने ये बात कही है, कोई अचानक इसका इशू भी नहीं है, ऐसा भी नहीं 10-20 लोगों ने पद्मा अवार्ड रिजेक्ट कर दिया है, उस पे बाबा को बोलना है। तो बाबा ने आउट ऑफ टर्न ये बात कही है तो कहीं लग रहा है कि कुछ भड़ास है जो कि निकाल रहे हैं, और मुमकिन है ये भड़ास वही हो कि बाबा को नहीं दिया गया, और नहीं दिया गया नहीं, मुझे इससे भी ज्यादा लग रहा है या फिर उनके कुछ ऐसे हित हैं जो नहीं चल पा रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है क्या। और ये अब देखना दिलचस्प होगा, अटैक अब शुरू हो गया, काउंटर अटैक शुरू हो गया है अब बीजेपी की तरफ से। आपने नकवी साहब के बयान को सुना कि बाबा जुगाड़ चलता तो सबसे पहले खुद ले लिए होते पुरस्कार, तो ये अटैक कहां तक जाएगा, और बाबा पिछले दिनों में जो सब कुछ होता रहा था उसको फिर से दूर आएंगे, या बाबा और सरकार के बीच वो कौन सी अनबन है वो खुलकर बाबा सामने आएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बाबा और बीजेपी या बाबा और मोदी सरकार के बीच में सब कुछ अब ठीक नहीं रह गया है, ये साफ पता चल रहा है आज के बाबा के इस बयान से। मेरे पास वक्त इतना ही था, धन्यवाद एनके सिंह साहब, हिला नकवी साहब, अनिला जी, अवधेश कौशल साहब, आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये था आज का सबसे बड़ा मुद्दा। नमस्कार।